हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंटिस्ट क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम पियाजे की थ्योरी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है फ्रेंड्स? तो पियाजे जीन पियाजे का जो थ्योरी का नाम है फ्रेंड्स, वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे संवेगात्मक विकास की भी बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, या फिर संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पियाजे जी जो प्याजीन प्याजे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी अपने थ्योरी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस पे किसकी बात कर रहे हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यानी संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम आगे। और तो ही इज अ आल्सो अ कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जी जो जीन प्याजे हैं वो जाने जाते थे कंस्ट्रक्टिविस्ट के तौर पर। ठीक है फ्रेंड, चनावाद, यानी कि वो उनका भी जो बिलीव था कि बच्चे अपने नॉलेज खुद बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और ब्रूंगर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये दोनों भी कहते थे कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। पियाजे के अनुसार चार एलिमेंट है जो थिंकिंग में जरूरी है। तो वो चार एलिमेंट कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो पहला है मैच्यूरेशन, जिसे परिपक्वन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है एक्टिविटी, जिसे हम क्रियाकलाप कहते हैं। तीसरा है सोशल एक्सपीरियंसेस यानी सामाजिक अनुभव। चौथा है इक्विलिब्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चार एलिमेंट है जो थिंकिंग में जरूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्याजे ने सोशल एक्सपीरियंसेस यानी सामाजिक अनुभव की बात कही है। प्याजे ये कहता है कि बच्चे के ऊपर बहुत थोड़ा यानी माइन्यूट असर पड़ता है। ये जीन प्याजे कहते हैं कि सामाजिक जो सामाजिक अनुभव की बात कही है जीन प्याजे ने, यानी सोशल एक्सपीरियंसेस की जो बात कही है, उसमें प्याजे ये कहता है कि बच्चे के ऊपर बहुत थोड़ा माइन्यूट असर पड़ता है। किसका? सोशल एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, वहीं वाइगोत्स्की 100% कहता है कि सोशल एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि समाज का असर पड़ता है, बट प्याजे 1%, ठीक है फ्रेंड्स, असर पड़ता है समाज का, कहता है वो प्याजे, जीन प्याजे। ठीक है फ्रेंड, प्याजे ने सोशल पर ज्यादा फोकस नहीं दिया है फ्रेंड्स, मतलब वो सोशल पर ज्यादा बात नहीं की है। ठीक है फ्रेंड्स, प्याजे ने लैंग्वेज और सोशल एक्सपीरियंस पर बहुत कम बात कही है, और करीब ही है बहुत कम बात। और उन्होंने और कौन पॉइंट दिया है फ्रेंड्स, कि उन्होंने जीन प्याजे का कहना है कि पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने कहा है कि पहले डेवलपमेंट आती है और बाद में लर्निंग, यानी पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है फिर बाद में लर्निंग करता है बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं वाइगोत्स्की इसका उल्टा कर बोलते हैं। वाइगोत्स्की कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है, और पहले लर्निंग करता है बच्चा फिर डेवलपमेंट होता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं कि पहले थॉट आता है बाद में लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज सीखता है बच्चा। अब पहले डेवलपमेंट होता है बच्चे में फिर लर्निंग करता है बच्चा, ये जीन प्याजे बोलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये दोनों में डिफरेंस जो है इसको याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चंस पेपर में सीटेट में अक्सर पूछ लेता है। अब जीन प्याजे ने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या दिया है? तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में पहला है स्कीमा फ्रेंड्स, दूसरा है एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के ही दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, असिमिलेशन एकोमोडेशन, फिर है एक्विलिब्रेशन और डिसएक्विलिब्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम जान लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है। यानी कि जब बच्चा यानी कि इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठाता है और अपनी समझ को बनाता है, चाहे थ्रू हमारे द्वारा या अपनी मदर के द्वारा या किसी भी सोर्स के द्वारा, वो जब बच्चा अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को बैठाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एडेप्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो वो इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठाया है बच्चा, उसको इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं या एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि असिमिलेशन क्या होता है। असिमिलेशन का हिंदी मतलब होता है आत्मसातीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो असिमिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि अगर बच्चे को डॉग बताया कि बच्चे को डॉग बताया कि उसके चार पैर होते हैं, और वो मतलब कि उस मतलब कि वो और मतलब कि जब डॉग जो बच्चे को हमने बताया कि डॉग के चार पैर होते हैं, और जब बच्चे को हम जू में लेके गए
और बच्चा जेबरा को देखा, और जेबरा को देखकर ही उसने बोल दिया डॉग, क्योंकि उसके भी चार पैर होते हैं और उसके भी चार पैर होते हैं। जब उसको भी बोल के उसको जेबरे जेबरा को देखकर बच्चे ने डॉग बोल दिया, तो वो न्यू चीज डाल रहा था, न्यू चीज डाल रहा था अपने दिमाग में, लेकिन वो कोरिलेट नहीं कर पाया, यानी उससे रिलेट नहीं कर पाया। तो इसी को ही हम असिमिलेशन कहते हैं। यानी क्या होता है असिमिलेशन में, कि जैसे कि असिमिलेशन में क्या होता है कि जैसे हमने बच्चे को बताया कि भैया बच्चे बच्चे को हमने बताया डॉग के बारे में, डॉग के दो कान चार पैर एक पूंछ, और वो गली में देखा जाता है, गली में पाया मतलब घूमता रहता है वो, मतलब सरेआम कहीं भी घर के आसपास रहता है, तो उसको हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को हम जू में लेके गए और जू में उसने जेब्रा को भी देखा, और जेब्रा में भी वही रिलेशन था कि उसके भी चार पैर थे एक पूंछ थी दो कान थी कान था, तो उसको देखकर उसने क्या कहा डॉग बोल दिया, डॉग बोल दिया। तो उसने उस चीज को देखा जरूर जेब्रा को, लेकिन वो उससे रिलेट नहीं कर पाया कि ये जेब्रा है ये वो डॉग को जो उसने घर के बाहर देखा था उसको, और उसको रिलेट नहीं कर पाया और उसको जेब्रा को ही डॉग बोल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, उसको जेब्रा को ही देखकर डॉग बोल दिया वहां पर, वो अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन तो डाल रहा था लेकिन उसको उस चीज को देख के वो रिलेट नहीं कर पाया उससे कि ये क्या है और डॉग डॉग क्या होता है और जेब्रा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी को रिलेट रिलेट ना कर पाने को ही हम कहते हैं कि असिमिलेशन। ठीक है फ्रेंड, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, ना समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन वो होता है जिसे हम हिंदी में समायोजन कहते हैं, कि जैसे कि हमने मतलब कि अकोमोडेशन में ये होता है कि जब बच्चे को हमने जेब्रा तो दिखाया, मतलब कि बट अगर वो बोलता कि नहीं ये जेब्रा है जू में, जिसको हमने दिखाया बच्चे को जेब्रा ले जाके, तो अगर वो बोल देता कि नहीं ये जेब्रा है, जो जो जू में उसने जेब्रा को देखा, क्योंकि मतलब कि हम अगर उसको बताते, मतलब कि मैं उस बच्चे को बताता या आप किसी बच्चे को ले जाके अगर उस विषय में जानकारी देते कि नहीं बेटा ये जेब्रा ये डॉग नहीं है ये जेब्रा है, जो कि डॉग क्या होता है बाहर घूमते हैं, बाहर भी दिख जाते हैं, गली में भी दिख जाते हैं, हम उसको घर में पालते भी हैं, तो वो डॉग होता है, और जेब्रा जो होता है वो सिर्फ खाली जू में पाया जाता है, यानी जू में देखा जाता है और जंगलों में देखा जाता है। तो उसके इंफॉर्मेशन में हमने क्या किया, मॉडिफाई किया, उसके नॉलेज में हमने मॉडिफाई किया, जो उसको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि डॉग के चार पैर होते हैं एक पूंछ होती है दो कान होते हैं, तो उससे वो जो हमने ये इंफॉर्मेशन दे के उसको उसके दिमाग में डाला था, तो उसी सेम चीज को उसने उस जेब्रा में भी देखा कि चार पैर जेब्रा का भी होता है, एक पूंछ होती है जेब्रा की, दो आंख होती है, उसको भी सेम सिमिलरिटी उसमें भी उसी फीचर को उसने देखा, तो उसको वो जेब्रा ना बोलकर डॉग बोल दिया, तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन हम अगर उसको उस बच्चे को जू में ले जाके उसी जो नॉलेज हमने उसके दिमाग में दिया है कि नहीं डॉग के ऐसे ऐसे फीचर होते हैं, लेकिन अगर उसी चीज को हमने उसको वहां ले जाके हमने उस फीचर को देखा जरूर बच्चे ने, लेकिन उसको डॉग बोल दिया डॉग बोलने के बाद, लेकिन फिर हमने उसको उसके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन दी कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है, ये डॉग क्यों नहीं है, क्योंकि ये जू में पाया जाता है जेब्रा है, ये जेब्रा है, क्योंकि और डॉग क्या होते हैं वो हम घर में भी पाल सकते हैं, गली मोहल्ले और कहीं पर भी हम वो बाहर भी खुले मिल सकते हैं, तो डॉग जो होते हैं वो बाहर सरवाइव कर रहते हैं, और जो जेब्रा होता है वो जू में खाली मिलता है और जंगलों में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वहां पर क्या हुआ, हमने उसके इंफॉर्मेशन में क्या किया, हमने उसके इंफॉर्मेशन में मॉडिफाई किया, और उसी मॉडिफाई को हम क्या कहते हैं एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपको, नहीं क्लियर हुआ होगा तो भी बताइएगा फ्रेंड्स जरूर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं, बट जब हम उस इंफॉर्मेशन में कुछ न्यू डालते हैं और मॉडिफाई करते हैं और चेंज करते हैं, तो उसी को हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा।
अब इक्विलिब्रेशन समझिए फ्रेंड्स। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में साम्य धारण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। इक्विलिब्रेशन ये होता है फ्रेंड्स कि हम प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में जब हम प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में जब हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं, तो उसी को ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिस इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इसी का उल्टा होता है फ्रेंड्स, कि अगर बच्चा या हम कोई भी कि बैल अगर प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में बैलेंस नहीं बना पाएंगे या नहीं बना पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, इस किसने दिया है, जीन प्याजे ने दिया है। तो ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स सीटेट में अक्सर इससे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि फोर स्टेजेस कौन कौन से दिया है जीन प्याजे ने। तो पहली जो स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक स्तर बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में एक आम और जानते हैं, जिसे संवेगात्मक स्तर भी कहते हैं जिसे, ठीक है फ्रेंड्स। और इंग्लिश में हम इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका जो ईयर होता है फ्रेंड्स, यो 0 से 2 ईयर तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम पूर्व संक्रियात्मक स्तर बोलते हैं, इसको हम 2 से 7 ईयर तक जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 2 से 7 ईयर होता है इसका जो ईयर होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक स्तर बोलते हैं, इसको हम 7 to 11 ईयर्स तक में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये 11+ होता है, ठीक है, 11 ईयर से प्लस होता है, ठीक है फ्रेंड। तो अब देख लेते हैं इसमें एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती हैं, कि सेंसरी मोटर में क्या होता है बच्चे में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है बच्चों में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में अगर बच्चा पहुंच जाता है तो क्या होता है, फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा चला जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये स्टेज का नाम अक्सर पूछ लेता है फ्रेंड्स, या उम्र दे के पूछ लेता है कि 2 से 7 ईयर के बच्चे किस जीन प्याजे के अकॉर्डिंग किस स्टेज में आते हैं। तो आपको वहां पर पता होना चाहिए, इसकी एज वाइज भी पता होनी चाहिए, कि 2 से 7 ईयर के जो एज के जो बच्चे चाइल्ड होते हैं, वो पूर्व संक्रियात्मक स्तर में होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक होता है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज, यानी सेंस से ही बच्चा किसी चीज के सेंस के थ्रू ही किसी चीज को वो सीखता है, यानी इशारों के थ्रू सीखता है, आई ईयर्स एंड हैंड्स के थ्रू सीखता है, या सोचता है, जो भी मतलब सेंसेस। अब तो अपने सेंसरी मोटर स्टेज हम उसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी बच्चा अगर अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, सोचता है, तो उसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है इस अवस्था में, इस एज में, ठीक है। बच्चे का सारा ध्यान किस पे होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस पे, यानी उसके सारा ध्यान ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। बच्चे को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रेजेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, यानी जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जिस्ट करता है बच्चे का, बच्चे को ये लगता है देख के। बट कुछ देर बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट को उस बच्चे के सामने से हटा देते हैं, तो वो उस बच्चा उस ऑब्जेक्ट को भूल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है फ्रेंड्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल नहीं सीख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रूल टू एग्जाम्पल नहीं सीख पाता है, इसमें कंजर्वेशन नहीं कर सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता है, बच्चा लॉजिकल नहीं होता है, बच्चा सीरिएशन यानी वर्गीकरण नहीं कर सकता है, बच्चा इलॉजिकल होता है, बच्चा कॉज और इफेक्ट यानी कार कारण में फर्क नहीं समझ पाता। इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग करता है इस एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, जो जो मैंने पॉइंट आपको बताया है फ्रेंड्स, कि इस स्टेज में बच्चा रूल टू एग्जाम्पल नहीं सीख सकता, कंजर्वेशन नहीं कर सकता, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता। यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है कि फ्रेंड
मतलब कि उसमें क्लासिफिकेशन, किसी चीज में क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं लगा सकता, तर्क नहीं कर सकता, सीरिएशन नहीं कर सकता यानी वर्गीकरण नहीं कर सकता, ठीक है। इलॉजिकल होता है बच्चा, कॉज और इफेक्ट में फर्क नहीं समझ सकता, जिसे हम कार्य कारण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है यानी अपनी बात को ही मनवाता है, यानी जैसे कि मैंने आपको टर्म में भी बताया है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक जब होता है तो वो अपनी जीत, अगर किसी चीज की जीत कर लेता है तो वो अपना ही अपनी जीत को मनवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग करता है बच्चा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 ईयर तक एज तक होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर, जो संरक्षण का जो नियम होता है, कंजर्वेशन का नियम होता है, वो कर सकता है बच्चा। क्लासिफिकेशन कर सकता है, सीरिएशन यानी वर्गीकरण कर सकता है बच्चा। बच्चा लॉजिकल हो जाता है इस एज में आके। कंजर्वेशन यानी संरक्षण क्या होता है कि अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, तो जैसे कि ये जो आउटवुड यानी दो जार है, दो जार में सेम कंटेंट है यानी सेम प्रॉपर्टीज है, तो उस सेम प्रॉपर्टी, उस दो जार हैं इसमें सेम प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वाटर है इन दोनों जार में, और दोनों जार में एक समान वाटर है, और एक जार का वाटर है उसको हम लंबे वीकर में ढाल मतलब पलट देते हैं, तो वो पानी हमको ऊंचाई तक दिखाई देने लगता है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो उसको लगता है कि इस जार में क्या होता है, पानी ज्यादा है, बल्कि इस जार में पानी कम है, उसको ये लगेगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जब रहेगा तो, क्योंकि वो कंजर्वेशन नहीं कर पाता है यानी संरक्षण नहीं कर पाता है, वो उसको लगेगा कि ये लंबा वाला वीकर में पानी ज्यादा है यानी जो प्रॉपर्टीज है अंदर वीकर के अंदर वो ज्यादा है, जबकि इसमें कम है, जबकि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि नहीं है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज रहती है उसको, वो क्योंकि वो कंजर्वेशन उस स्टेज में नहीं कर पाता। लेकिन जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है बच्चा, तो इसी चीज को वो सीख जाता है, इसी चीज को वो अंतर करना समझ जाता है, यानी कि वो जान जाता है कि ये जो ये इस वीकर में जितना पानी है, यानी कि जो जितना पानी इस वीकर में है उतना ही पानी या वाटर या प्रॉपर्टीज इस वीकर में भी है, यानी वो जानता है कि खाली इसका आउटवर्ड अपियरेंस चेंज होने के वजह से हमको ये पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है, बस ये अंतर करना बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीख जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो ये अंतर करना जान जाता है कि नहीं सेम प्रॉपर्टीज है दोनों वीकर में, यानी सेम वाटर है, लेकिन बशर्ते ये जार का जो आउटर वर्ल्ड है यानी जो जार है, जो वीकर है, ये लंबाई में है, तो इस वजह से पानी का जो तल है वो ऊंच, जो पानी का जो लेवल है यानी कि जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो गई है, बस ये करना वो सीख जाता है इस एज में बच्चा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन जो संरक्षण करना बच्चा इस स्टेज में कैसे सीख जाए, में क्या अंतर है प्री ऑपरेशनल स्टेज में और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बच्चा रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग यानी विपर्यण चिंतन करने लगता है, जैसे वाटर से आइस बनाना बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, इस चीज का वो मतलब कि जो है थिंकिंग वो सीख जाता है करना, और ये चीज को वो अंतर जान जाता है कि वाटर से आइस बन सकता है, आइस से वाटर बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज को वो इस स्टेज में आकर बच्चा सब चीज सीख जाता है। अब आइए फ्रेंड्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है यानी अमूर्त चीजों को भी सोचने लगता है, यानी कि जो चीज उसको दिखाई नहीं देती है उसके बारे में भी वो सोचने में सक्षम हो जाता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है बच्चा, ठीक है। यानी अब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है इस स्टेज में बच्चा आके, फुल लॉजिकल हो जाता है बच्चा इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में आकर बच्चा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, जिसे हम अमूर्त चीजों के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं अमूर्त अवस्था, जिसके हम अमूर्त से संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स सिंबॉलिक थॉट क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार क्या होता है, कि फर्स्ट स्टेज में भी, जब फर्स्ट स्टेज में होता है बच्चा तो, और सेकेंड स्टेज में भी आता है बच्चा जब,
तो फर्स्ट स्टेज के अंत में जब जब आता है बच्चा, फर्स्ट स्टेज के अंत में जब आता है बच्चा, तो सिंबॉलिक थॉट यानी 18 मंथ से 2 इयर्स तक होता है उसमें, यानी 18 मंथ से 2 इयर्स तक जब बच्चा आ जाता है तो उसमें सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं, यानी 18 मंथ से शुरू हो जाती है उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आना, ठीक है। यानी वो सिंबल को देखकर समझ सकता है, उसमें सिंबल को देख के वो समझने लगता है हर चीज, मतलब सिंबॉलिक थॉट करने लगता है, यानी इमेज बनाने लगता है, मतलब अपने उसके सामने कोई चीज नहीं नहीं तब नहीं है तब भी उसके बारे में सोचने लगता है। जैसे मैंने कहा कि स्कॉर्पियो कार, बच्चे के सामने अगर मान लो 18 मंथ्स का बच्चा है या 2 इयर्स का बच्चा है, तो उसके सामने अगर मैंने स्कॉर्पियो कार बोला तो वो उस वह 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 कार की इमेज बनाने लगता है, सोचने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक थॉट। इगोसेंट्रिक थिंकिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इगोसेंट्रिक थिंकिंग में क्या होता है कि बच्चा अपनी बातों को मनवाता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो। जैसे कि ऊपर हमने बताया ना जो टर्म्स इगोसेंट्रिक आ जाता है, किस किस स्टेज में इगोसेंट्रिक थिंकिंग करता है बच्चा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में इगोसेंट्रिक थिंकिंग करता है। तो इस तरह के टर्म्स पूछ लेता है और इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है कि इगोसेंट्रिक थिंकिंग बच्चा किस स्टेज में करता है, सीटेट में, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में इगोसेंट्रिक थिंकिंग करने लगता है बच्चा। और इगोसेंट्रिक थिंकिंग होती क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कि इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी बातों को मनवाता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वह रोकर अपनी बातों को मनवाता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे ऐसे करके बच्चा बहुत जिद्दी होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, इसमें बच्चा अपना व्यू ऑफ पॉइंट को कंसीडर करता है, दूसरों का व्यू ऑफ पॉइंट को कंसीडर नहीं करता है बच्चा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अब ये भी जान लीजिए। कॉज और इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को लगता है कि धूप अगर निकली है तभी कपड़ा सूखेगा, बच्चे को ये लगेगा कि धूप निकली है तो ही कपड़ा सूखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि कपड़ा हवा से भी सूख सकते हैं। तो इसी को ही हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, यानी कि उसको लगेगा कि जब धूप निकलेगी तभी कपड़ा सूखेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। फिर प्याजे ने, ये तो मैंने बता ही दिया फ्रेंड्स कि पहले प्याजे कहता है कि पहले थॉट आती है, फिर लैंग्वेज आती है, पहले डेवलपमेंट होती है, फिर लर्निंग करता है बच्चा, ये मैंने ऊपर बता दिया। मेक बिलीव होता है बच्चे में, मेक बिलीव रहता है, और एनिमिज्म रहता है बच्चे को, नॉन लिविंग में लिविंग चीज, मतलब नॉन लिविंग चीज को वो लिविंग समझने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की थ्योरी बस इतनी थी, आज की थ्योरी में बस इतना ही, पूरी थ्योरी मैंने जीन प्याजे की आपको विथ कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया होगा जीन प्याजे की थ्योरी। अगर नहीं समझ में आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और प्लीज आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको, मेरी बातों को वो आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वो भी बताइएगा, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपको समझाने की और अच्छी तरीके कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।